इस वीडियो में हम समझेंगे पोटेंशियोमीटर के बारे में पोटेंशियोमीटर दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस और मीटरिंग वर्ड से मिलकर बना है पोटेंशियोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज अननोन वोल्टेज को मेजर करने के लिए किया जाता है ऐसा करने के लिए पहले से नोन वोल्टेज को कंपेयर किया जाता है साथ ही पोटेंशियोमीटर का यूज इंटरनल रेजिस्टेंस को डिटरमाइन करने और डिफरेंट सेल्स के ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए भी किया जाता है पोटेंशियोमीटर बेसिकली एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है जिसे स्टैंडर्ड सेल से कनेक्ट किया जाता है पोटेंशियोमीटर के एक्चुअल डिजाइन में इस वायर को कई टुकड़ों में बांटा जाता है और साइड बाई साइड प्लेस किया जाता है वायर के सभी पीसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए थिक मेटल स्ट्रिप्स का यूज किया जाता है इस सर्किट में करंट मेजर करने के लिए एक एमिटर, सर्किट ओ ऑफ करने के लिए एक स्विच और करंट वेरी करने के लिए वेरिएबल रेजिस्टेंस भी लगाया गया है पॉइंट ए से एक वोल्टमीटर को जॉकी की मदद से वायर पे कनेक्ट किया गया है अब जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं करंट सर्किट में फ्लो करता है और एमीटर और वोल्टमीटर में हमें डिफ्लेक्शन शो होता है अब हम जॉकी को वायर पे धीरे धीरे स्लाइड करेंगे और वोल्टमीटर के डिफ्लेक्शन को नोट करेंगे हम देखते हैं कि जब जॉकी को पॉइंट बी की ओर ले जाते हैं तब वोल्टमीटर की रीडिंग बढ़ने लगती है इससे हमें यह पता चलता है कि वायर में पोटेंशियल यानी वोल्टेज उस वायर की लेंथ पे डिपेंड करती है कहने का मतलब वायर की लेंथ के साथ साथ वोल्टेज इंक्रीज होता है और यही फैक्ट पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि वायर के किसी भी सेक्शन में पोटेंशियल ड्रॉप उस वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा पोटेंशियोमीटर प्रिंसिपल को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं The potential drop across any section of the wire will be directly proportional to the length of the wire. Thanks for watching. अगर आपको हमारा ये video अच्छा लगा, तो ऐसे ही और video देखने के लिए channel को subscribe करे, video को share और like करे. तो मिलते हैं next video में.